लद्दाख में एलएसी पर चीन के पीछे हटने की खबरों के बीच भारत पूरी तरह सतर्क है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन का लद्दाख दौरा करेंगे। वो 17 और 18 जुलाई को लद्दाख में रहेंगे। इस दौरान वो पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर जाकर देश की रक्षा तैयारियों का जायजा लेंगे। जम्मू कश्मीर से बीजेपी का एक और नेता अगवा। आतंकियों ने बारामूला जिले से बीजेपी नेता महराज उद्दीन मल्ला का अपहरण किया। मल्ला बारामूला में नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं। पुलिस और सेना की कई टीमें महराज मल्ला की तलाश में जुटी। आतंकियों ने इससे पहले कश्मीर के बांदीपुरा जिले में बीजेपी नेता वसीम बारी और उनके पिता और भाई की हत्या की थी। घटना के वक्त वो अपनी दुकान के बाहर थे, तभी आतंकियों ने गोली मारकर तीनों की हत्या कर दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के संकट में हमारे वर्क कल्चर के साथ ही नेचर ऑफ जॉब को भी बदल दिया गया है। हमारे युवा साथी नई नई स्किल्स को तेजी से अपना रहे हैं। समय के मुताबिक प्रासंगिक बने रहने के लिए हमें स्किल, रीस्किल और अपस्किल लगातार बढ़ानी होगी। विश्व युवा कौशल दिवस पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक सफल व्यक्ति की पहचान होती है कि वो अपनी स्किल बढ़ाने का कोई मौका जाने ना दे। पीएम ने कहा कि अगर कुछ नया सीखने की ललक ना हो तो जीवन ठहर जाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी को ही बोझ बना लेता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज तेजी से बदलती दुनिया में लाखों स्किल्ड लोगों की जरूरत है। खासतौर पर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बड़ी संभावनाएं बन रही हैं। इसके लिए देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। साथ ही आईटीआईज की संख्या बढ़ाकर लाखों नई सीटें जोड़ी गई हैं। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने सचिन पायलट और उनके समर्थक 18 विधायकों को नोटिस जारी किया है। पार्टी विप की अवहेलना करने के आरोप में नोटिस जारी किया गया है। विधानसभा के बाहर बैठक होने की वजह से पायलट खेमे में विधायक अदालत में इसे चुनौती दे सकते हैं। वहीं सचिन पायलट ने बीजेपी ज्वाइन करने की चर्चाओं को गलत बता दिया है। उन्होंने कहा इन अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि अगर सचिन पायलट समेत बाकी विधायक व्यक्तिगत रूप से स्पीकर के सामने पेश होकर माफी मांग ले तो मामले पर दोबारा विचार किया जा सकता है। ऐसा नहीं करने पर उनकी विधानसभा सदस्यता जा सकती है। बीजेपी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस सरकार ने बीजेपी के विधायकों को बंधक बना रखा है। पिछले कई दिनों से हमारे फोन टैप हो रहे हैं। इन लोगों ने पूरे राजस्थान की राजनीति को कलंकित किया है। ये सरकार जाने की स्थिति में है। पकड़े गए 50,000 के इनामी शशिकांत पांडे का संसदीय केस खुलासा। शशिकांत पांडे ने कहा कि विकास दुबे ने पुलिस वालों को मारने की बात कहकर गांव में बुलवाया और हथियार दिए। इसके बाद विकास दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा, बउआ अतुल दुबे ने पुलिस पर गोलियां चलाई। शशिकांत ने कहा कि उसने और उसके बाप ने भी पुलिस पर फायरिंग की। कानपुर में पकड़े गए आरोपी शशिकांत पांडे की पत्नी का ऑडियो वायरल हो रहा है। ऑडियो में पत्नी अपने रिश्तेदार को फोन कर पुलिस पर हमले की पूरी घटना बता रही है। वो कह रही है कि उसके आंगन में पुलिस वालों की लाशें पड़ी हैं। इन पुलिस वालों को विकास भैया ने मारा है। मुंबई से पकड़े गए हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के साथियों गुड्डन और उसके ड्राइवर सोनू तिवारी को यूपी पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर ले आई है। गैंगस्टर विकास दुबे का दाहिना हाथ माना जाने वाले अरविंद त्रिवेदी उर्फ गुड्डन को कानपुर देहात से जिला पंचायत का सदस्य बताया जा रहा है। विकास दुबे एनकाउंटर की एफआईआर सामने आई। एफआईआर के मुताबिक कार पलटने के बाद पीछे से भागा था विकास दुबे। रोकने पर विकास दुबे ने सीओ के सीने पर गोली चलाई थी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से वो बच गए। पुलिस ने अपने बचाव में उस पर 6 गोलियां चलाई जिससे उसकी मौत हो गई। यूपी के हाथरस जिले में पुलिस ने 50,000 के इनामी विनोद जाट के मुख्य चौराहों और थानों पर पोस्टर लगाए हैं। विनोद जाट यूपी पुलिस का बर्खास्त सिपाही है। अलीगढ़ पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। उस पर आगरा, मथुरा और हाथरस में कई मुकदमे दर्ज हैं। सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस साल 91.46% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। लड़कियों ने इस बार फिर बाजी मारी है। 93.31% लड़कियां और 90.14% लड़के पास हुए हैं। दिल्ली जोन का पास प्रतिशत 85.86% रहा। वहीं पिछले साल के मुकाबले ये 4.89% ज्यादा है। बीजेपी ने विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की संदिग्ध मौत पर दक्षिण कोलकाता के पास स्टेशन थाने के बाहर प्रदर्शन किया। देवेंद्र नाथ राय फंदे पर लटके हुए पाए गए थे। बीजेपी का आरोप है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि हत्या है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।
अयोध्या पर दिए विवादित बयान पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने ही देश में घिर गए हैं। नेपाल के जनकपुर में लोगों ने सड़कों पर उतरकर ओली के खिलाफ प्रदर्शन किया। ओली ने कहा था कि असली अयोध्या नेपाल में है और भारत में नकली अयोध्या है। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक करीब 15 घंटे चली। लद्दाख के चुशूल में हुई बैठक में दोनों ओर से सेनाओं को पीछे हटाने के तरीकों पर चर्चा हुई। मंगलवार सुबह 11 बजे शुरू हुई ये बैठक देर रात 2 बजे तक चली। दोनों देशों में इस स्तर की ये चौथी बातचीत। हांगकांग पर नया एक्ट पारित करने पर चीन ने अमेरिका के खिलाफ पलटवार की धमकी दी है। चीन ने कहा है कि वो अपनी संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। इनमें अमेरिका की हस्तियों और अफसरों के वीजा पर जवाबी प्रतिबंध लगाना भी शामिल है।